अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम एक नई सीरीज़ शुरू करेंगे जनरल साइंस के बारे में। इसमें हम जनरल साइंस के तमाम अहम टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। तो आज हम इस सीरीज़ को शुरू करेंगे विटामिन्स के टॉपिक से। तो चलिए जानते हैं कि विटामिन्स क्या होते हैं। विटामिन्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो बॉडी को तमाम थोड़े मकदार में चाहिए होते हैं, लेकिन अगर उनकी कमी हो जाए तो जिस्म सही से वर्क नहीं कर सकता और बॉडी काफ़ी बीमारियों का शिकार हो सकती है। और विटामिन्स बेसिकली दो किस्म के होते हैं, एक होते हैं वाटर सॉल्युबल, एक होते हैं फैट सॉल्युबल। तो अब हम विटामिन्स के बारे में जनरल साइंस के जो बेसिक एमसीक्यूज आते हैं डिफरेंट टेस्ट में और रिपीट होते रहते हैं, तो आज हम उनको देखेंगे। तो पहला एमसीक्यू हमारे पास है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, के खून को रोकने में जब चोट लगती है तो खून निकलता है, खून को रोकने में कौन सा विटामिन हेल्प करता है? विटामिन B1, B2, विटामिन D या विटामिन K? तो राइट ऑप्शन है विटामिन K, डी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट पर हमारे पास क्वेश्चन है कि नाइट ब्लाइंडनेस इज़ ड्यू टू लैक ऑफ, के नाइट ब्लाइंडनेस किस विटामिन की कमी की वजह से होती है? विटामिन A, विटामिन B, विटामिन C या D? तो राइट ऑप्शन इज़ विटामिन A। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। रिकेट्स इन चाइल्डहुड इज़ ड्यू टू द लैक ऑफ, रिकेट्स एक बीमारी है जो बच्चों को होती है, वो कौन से विटामिन की कमी की वजह से होती है? उसका सही जवाब है विटामिन D। फोर्थ नंबर पर क्वेश्चन है कि मस्कुलर एंड नर्वस डिसऑर्डर्स आर ड्यू टू लैक ऑफ, विटामिन A, C, D या E? तो इसका सही जवाब है विटामिन ई। जो मसल्स की बीमारियां और नर्वस सिस्टम की बीमारियां होती हैं विटामिन ई की कमी से होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B1 काजेज, के विटामिन B1 की कमी से कौन सी बीमारी होती है? इसका सही जवाब है बेरी। नंबर सिक्स पर क्वेश्चन है डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन C लीड्स टू अ डिजीज़ नोन एज, अगर जिस्म में विटामिन सी की कमी हो जाए तो कौन सी बीमारी हो सकती है? स्कर्वी, रैकेट्स, बेरी या हेपाटाइटिस? तो इसका सही जवाब है स्कर्वी। नंबर सेवन पे क्वेश्चन है द विटामिन व्हिच कैन बी इजीली सिंथेसाइज्ड इन ह्यूमन बॉडी इज, के ह्यूमन बॉडी कौन से विटामिन को इजीली बना सकती है? विटामिन D, विटामिन C, विटामिन B या विटामिन K? तो हमारे पास सही ऑप्शन है विटामिन D। विटामिन डी हमारी बॉडी किस तरह बनाती है? सनलाइट और स्किन के कांटेक्ट से विटामिन डी बनता है, तो इस वजह से इसका ऑप्शन है विटामिन डी इज़ राइट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि व्हिच विटामिन इज़ नोन एज एस्कॉर्बिक एसिड, कौन से विटामिन को हम एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जानते हैं? A, B, C या D? तो इसका सही ऑप्शन है विटामिन सी। विटामिन सी को हम एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं। नंबर नाइन क्वेश्चन है व्हिच विटामिन इज़ प्रोवाइडेड बाय सनलाइट टू द बॉडी, सनलाइट कौन सा विटामिन प्रोवाइड करती है बॉडी को? तो सनलाइट और स्किन के कांटेक्ट से, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ कि विटामिन डी बनता है, तो इधर विटामिन डी ऑप्शन इज़ राइट। सनलाइट की वजह से विटामिन डी मिलता है आवर बॉडी को, हमारी बॉडी को। नंबर दस पर क्वेश्चन है विटामिन डी प्रिवेंट्स, विटामिन डी कि अगर सही मिकदार मिल जाए तो वो कौन सी डिजीज़ को प्रिवेंट करेगा, रोकेगा? टूथ डिजीज़, आई डिजीज़, बोन डिजीज़ या स्किन डिजीज़? तो विटामिन डी अगर एडिक्वेट मिकदार में हो तो वो बोन की हेल्थ को अच्छा रखता है और बोन डिजीज़ को प्रिवेंट करता है, रोकता है। ऑप्शन C इज़ राइट। नंबर 11 पर है व्हिच विटामिन गेट्स डिस्ट्रॉयड ऑन हीटिंग, के कौन सा विटामिन है जो हीटिंग से डिस्ट्रॉय हो जाता है, गर्म होने से ख़त्म हो जाता है? तो इसका सही ऑप्शन है विटामिन सी। विटामिन सी को अगर हम थोड़ा ज़्यादा हीट अप कर दें तो वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। नंबर 12 पर है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन डेफिशिएंसी काजेज बेरी, के बेरी एक डिजीज़ है, वो कौन से बी विटामिन की कमी की वजह से होती है? B1, B2, B6, B12? तो बी में एक से ज़्यादा विटामिन्स होते हैं, ये जैसे कि यहाँ हम एग्जांपल देख रहे हैं B1, B2, B6, B12 और भी होते हैं, इनको हम मिलाकर बी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। तो इधर क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन डेफिशिएंसी काजेज बेरी,
तो हमारे पास राइट ऑप्शन है B1। B1 विटामिन की डेफिशिएंसी से बेरी बेरी होती है, जो एक डिजीज़ है। नंबर 13 पर हमारे पास क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज़ फैट सॉल्युबल विटामिन। जैसे कि मैंने पहले बताया था वीडियो के शुरू में कि विटामिन दो किस्म के होते हैं, एक फैट सॉल्युबल जो जिनको हज़म करने के लिए, जिनको डाइजेस्ट करने के लिए फैट की ज़रूरत होती है, और दूसरे होते हैं वाटर सॉल्युबल जो वाटर के थ्रू वो डाइजेस्ट हो जाते हैं। तो इधर पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज़ फैट सॉल्युबल, इनमें से कौन सा विटामिन है जो फैट सॉल्युबल है, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन B12 या विटामिन के। तो हमारे पास राइट ऑप्शन है विटामिन के इज़ फैट सॉल्युबल। नंबर 14 क्वेश्चन पढ़ते हैं, विच विटामिन इज़ नोन एज कोबालामिन, के कौन से विटामिन को हम कोबालामिन बोलते हैं। इसका सही जवाब है B12, ऑप्शन डी इज़ राइट। नंबर 15 पर क्वेश्चन है हमारे पास, विच विटामिन इज़ नोन एज थायामाइन, तो थायामाइन हम बोलते हैं विटामिन B1 को। नंबर 16 पर क्वेश्चन है कि विच विटामिन इज़ नोन एज पायरीडॉक्सिन, पायरीडॉक्सिन कौन से विटामिन को बोला जाता है, विटामिन B6 इज़ राइट ऑप्शन। नंबर 17 पर हमारे पास है कि विच विटामिन इज़ नोन एज राइबोफ्लाविन, राइबोफ्लाविन कौन से विटामिन को बोला जाता है, राइबोफ्लाविन बोला जाता है विटामिन B2 को, बी ऑप्शन इज़ राइट। नंबर 18 पर है विच विटामिन इज़ नोन एज पेंटोथेनिक एसिड, पेंटोथेनिक एसिड हम बोलते हैं विटामिन B5 को। नंबर 19 पर है हमारे पास विच विटामिन इज़ नोन एज टोकोफेरोल, टोकोफेरोल कौन से विटामिन को बोला जाता है, विटामिन A, B, D या नन ऑफ दीज। तो इसमें हमारे पास नन ऑफ दीज ऑप्शन सही है, टोकोफेरोल हम बोलते हैं विटामिन ई को। नंबर 20 पर हमारे पास है कि विच विटामिन इज़ वाइटल फॉर आई साइट, कि आई साइट के लिए कौन से विटामिन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, विटामिन ए की, बी की, विटामिन डी या नन ऑफ दीज। तो राइट ऑप्शन है विटामिन ए। विच विटामिन इज़ वाइटल फॉर डेवलपमेंट ऑफ बोन्स, बोन्स को डेवलप करने के लिए, बोन्स की नशोनुमा के लिए कौन सा विटामिन सबसे ज़्यादा अहम है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी या नन ऑफ देम। तो बोन्स के लिए सबसे ज़्यादा अहम विटामिन डी होता है, राइट ऑप्शन इज़ सी। नंबर 22 क्वेश्चन इज़ विच विटामिन इज़ नेसेसरी फॉर फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स, के रेड ब्लड सेल्स के लिए कौन सा विटामिन हमें ज़रूरी होता है, B1, B2, B12 या नन ऑफ देम। तो इसका राइट ऑप्शन है B12। क्वेश्चन हमारा अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग फूड सोर्सेज आर बेस्ट सोर्सेज ऑफ विटामिन ए, स्वीट पोटैटो, पोल्ट्री, लेग्यूम्स या डेयरी प्रोडक्ट्स। तो इसका राइट ऑप्शन है स्वीट पोटैटो इज़ बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन ए। क्वेश्चन नंबर 24 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज़ फॉल्स, कौन सी स्टेटमेंट गलत है अबाउट एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड यानी विटामिन सी के बारे में कौन सी स्टेटमेंट इनमें से गलत है। इट शोज़ एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी, बी इट इज़ एन स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, सी इट कैन बी सिंथेसाइज्ड इन बॉडी या डी नन ऑफ देम। तो इसमें हमारे पास सी ऑप्शन इज़ राइट, इट कैन बी सिंथेसाइज्ड इन बॉडी, ये स्टेटमेंट गलत है, विटामिन सी को बॉडी बना नहीं सकती, सिंथेसाइज कर नहीं सकती, तो सी ऑप्शन को टिक करें आप। 25 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर वाटर सॉल्युबल विटामिन, इनमें से कौन सा है जो वाटर सॉल्युबल विटामिन है, विटामिन सी, B1 या B2 या ऑल ऑफ देम। तो हमारे पास सही ऑप्शन है विटामिन ऑल ऑफ देम है, इसमें इसके जो सारे विटामिन हैं वो वाटर सॉल्युबल हैं। तो अगले क्वेश्चन की जानिब बढ़ते हैं, सिट्रस फ्रूट्स यानी खट्टे फ्रूट्स आर बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन B, C, A या नन ऑफ दीज। तो इसका सही जवाब होगा विटामिन सी।
27 पर हमारे पास है कि विच विटामिन इज वाइटल फॉर रेगुलेशन ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, के सेंट्रल नर्वस सिस्टम के लिए कौन सा विटामिन सबसे ज़्यादा अहम है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के लिए जो सबसे ज़्यादा अहम है वो है विटामिन B6। तो हमारा ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 28 है हमारे पास कि द गुड सोर्सेज ऑफ विटामिन ए आर, विटामिन ए के जो सोर्सेज हैं वो कौन से हैं, इनमें से ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, सीड्स, सी फूड या नन ऑफ देम। तो सोर्सेज जो विटामिन ए के हैं इनमें से वो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं। नंबर 29 क्वेश्चन है कि द गुड सोर्सेज ऑफ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स आर, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के कौन से सोर्सेज बेस्ट हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, सीड्स या सी फूड या नन ऑफ दीज। तो इसका सही ऑप्शन है बी, सीड्स। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस विटामिन्स के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों से वीडियो शेयर करें, वीडियो को लाइक भी करें, और इस तरह की वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे। खुसूसन जनरल साइंस पे हमारी ये पहली वीडियो है, नेक्स्ट और भी काफ़ी सारे टॉपिक्स पे वीडियोज़ आने वाली हैं। तो कीप फॉलोइंग, थैंक यू।